डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। शफीक कामरान फ्रॉम पिशावर माबर स्कूल बॉयज 5, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट टुडे वी हैव डिस्कस्ड इन आर ग्रामर पोर्शन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वन इज हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन एंड द सेकंड इज हाउ टू राइट अ स्टोरी। एंड इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट दीज टू टॉपिक्स क्वाइट आई थिंक ईजिली, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू वेन एवर यू आर ट्राइंग टू राइट an application or a story. So first of all, some important things that you need to know is that for an application you have some reason to write it. Without reason you need not write any application and it is not required. In other words, application ya jo darkhast hai uske liye aapke paas koi wajah zarur honi chahiye jo ki aap likhte hain. Aur aapko pata hai ki for a student, जो क्लास 9 का स्टूडेंट है अप टू 10 क्लास, आपको कई दफ़ा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है और अपनी कोई रिक्वेस्ट जो है वो आगे बतानी पड़ती है। तो कीपिंग इन व्यू इस इम्पोर्टेंट को मॉडल्स को सामने रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ रीज़न्स जो हैं वो आपके बोर्ड पेपर्स में से ली हैं, और ये बड़ी कॉमन रीजंस हैं। जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, सिक लीव, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ब्रदर्स मैरिज, रिसीविंग अ रिलेटिव ऑन एयरपोर्ट, नेक्स्ट हैव टू अटेंड एलिंग मदर फादर, टू अरेंज अ पिकनिक टूर, टू अरेंज अ फन फेयर फीड फूड फेस्टिवल, एप्लीकेशन फॉर एब्सेंस फाइन, स्कॉलरशिप, अरेंजमेंट ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड ब्रेकेज ऑफ स्कूल फर्नीचर। ये तो कुछ रीजंस थी जिनकी वजह से हम एप्लीकेशंस को आमतौर पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात जहन में ये रखें कि आपके पास जब रीज़न सामने आती है तो फिर उसी हवाले से दो तीन या चार जुमले जो होते हैं, सेंटेंसेस, वो आपको रिलेटेड लिखने पड़ते हैं एप्लीकेशन में, और उसके बाद फिर आपने अपनी एप्लीकेशन ख़त्म करनी होती है। उसमें ज़्यादा डिटेल लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, आपको पता है कि ये हम उस वक्त लिखते हैं जब हमें अपने स्कूल को छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन लेना पड़ता है, और ये यूजुअली उस वक्त होता है जब ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स अगर कोई बिजनेस या कोई जॉब या कोई मुलाजमत कर रहे हैं और वो एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर है कि स्टूडेंट्स को भी अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे शहर में जाकर अपने लिए किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे पढ़ सकें। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है उसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। सिक लीव, ये बीमारी की दरख्वास्त है, और सिक लीव जो है वो अचानक कोई ऐसी सेहत की ख़राबी जिसकी वजह से कि आप स्कूल आने से बिल्कुल कासिर हों और आप अटेंड ना कर सकते हैं स्कूल को, जैसे कि अचानक सर दर्द शुरू हो जाए या बुखार हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, फीवर हो, उसके लिए हम लिखते हैं। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वो ज़रूरी काम घर में पड़ गया। ब्रदर्स मैरिज, आपके बड़े भाई की शादी है और ज़ाहिर है कि उसमें आपने भरपूर हिस्सा लेना है, तो आपको एक या दो दिन की छुट्टी चाहिए होती है। रिसीविंग अ रिलेटिव ऑन एयरपोर्ट, ये आमतौर पर ऐसा होता है कि जब किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स जो हैं वो हज करने या उमरा करने के लिए जाते हैं या आते हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए या रिसीव ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर जाना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है और एक बहुत ऑनर की बात होती है। तो ऐसे मौके पर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन लिखते हैं। इसके अलावा घर में बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं वो सिंगल होते हैं या उनके बहन भाई बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से अगर घर में उनके फादर या मदर की अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, अगर वो किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ का शिकार है, तो ऐसे में भी बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा जिनमें शऊर होता है, मतलब जो क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो फिर अपने पेरेंट्स को संभालना और उनके ख्याल रखना और उनको डॉक्टर तक लेके जाना, ये पॉसिबल है, और उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख कर उस दिन की छुट्टी अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अरेंज अ पिकनिक टूर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने किसी इम्तिहान के बाद जो सख्त आपकी मेंटल, आपकी उसके अंदर
थकावट महसूस होती है आपको, और उसको दूर करने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है फॉर पिकनिक टूर। इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं। अब इसका जो मेथड है वो ये है कि आपने सबसे पहले लाइन के साथ ही द प्रिंसिपल लिखना है। टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ABC स्कूल पेशावर, सिटी का नाम हमने लिखा है। सिटी का नाम इसलिए लिखा है कि अब इसकी छुपाने की ज़रूरत हम इसलिए नहीं कि अब हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बोर्ड हो गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, देखें या तो सारे का सारा कैपिटल लिखें या फिर हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है जी। तो और आपको इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नहीं, सिर्फ आपने जो टॉपिक है उसका नाम आपने लिखना है। मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 अंडर योर काइंड कंट्रोल। ये तकरीबन हर क्लास, हर एप्लीकेशन के लिए आपने यहाँ तक जो है वो ज़रूर लिखना होता है। फिर उसके बाद चूँकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपने लिखनी है, तो आप इसमें फिर ये लिख सकते हैं कि माई फादर हु इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू मरदान और चारसदा एंड आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ हेयर, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन टेक एडमिशन इन अ न्यू स्कूल इन अ न्यू स्कूल एट मरदान या लाहौर, ठीक है। फिर उसके बाद ये थैंकिंग यू योर सुबीडियंटली XYZ क्लास 9। और जो सबसे आखिरी सेगमेंट है वो होता है आपका डेट, ये डेट मस्ट है। बगैर डेट के आपने एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट होती है, और आपने कोशिश ये करनी है कि एप्लीकेशन आपकी एक ही पेज पर आकर ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रामर में स्टोरी पे। स्टोरी हमेशा मॉरल के ऊपर लिखी जाती है, जैसे डू गुड, हैव गुड, टिट फॉर टैट, एज यू सो सो शैल यू रीप, ठीक है, ग्रीड इज़ अ कर्स। ये तमाम जो टॉपिक्स हैं ये मैंने आपकी जो बोर्ड पेपर्स हैं उसमें से लिए हैं। और आम तौर पर हमें जो आउटलाइन दी जाती है, आउटलाइन होती है प्रेजेंट टेंस में, और उस प्रेजेंट टेंस को हमने कवर करना होता है पास्ट टेंस के अंदर। जैसे कि अ माउस क्लाइम्स ओवर अ लाइन, लाइन गेट्स एंग्री, द माउस रिक्वेस्ट बेग्स पार्डन, द लाइन लेट्स इट फ्री, अ हंटर कैचेस द लाइन इन द नेट, माउस कट्स द नेट, लाइन इज़ फ्री। तो ये देखें, इसमें भी आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ जो सामने आई है वो ये एक आउटलाइन प्रेजेंट टेंस में होती है, और आपने इसको पास्ट टेंस में लिखना होता है, स्पेशली पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। और इसको लिखते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है वो ये है कि आपने स्टोरी के तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसमें। पहला पॉइंट होता है टाइटल का। टाइटल का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर्स जो आपकी स्टोरी में शामिल हैं, जैसे अ माउस एंड अ लाइन, ठीक है, कभी भी आप यहाँ पे मॉरल ना लिखें, ठीक है ना। फिर जब उसका दूसरा पार्ट है वो होता है प्लॉट, PLOT, प्लॉट। प्लॉट का मतलब है कि आपने इसके अंदर बिगिनिंग है, इसके अंदर मिडिल है, और इसका जो एंड है, ये तीनों चीज़ें इस प्लॉट के अंदर शामिल होती हैं। तो आम तौर पर हम क्या करते हैं कि तकरीबन बोर्ड पेपर का तकरीबन 1.5 पेज जो होता है वो हमारी स्टोरी पर हम लिख सकते हैं उसको, और उसके अंदर जो मॉरल होता है वो हम सबसे एंड में लिखते हैं। जैसे ये देखें, मॉरल डू गुड हैव गुड, इसको कभी भी आप शुरू में ना लिखें इस जगह पे। यहाँ पे आपने टाइटल में कैरेक्टर्स के नाम लिखने होते हैं, और वो स्टोरी जिसके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जानवर होते हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, उसको हम फैबल बोलते हैं, FABLE। इस फैबल की मदद से हम जो हैं अपने स्टूडेंट्स को कोई स्टोरी जो है वो समझाते हैं, और उसके अंदर कोई लेसन मौजूद होता है जिसके ज़रिए स्टूडेंट जो होते हैं अपनी लाइफ में फ़ायदा जिससे उठाते हैं। तो स्टोरी में यूजुअली तो आप एक पैराग्राफ ही लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इसके अंदर तीन पैराग्राफ भी हो सकते हैं, दो पैराग्राफ भी हो सकते हैं, लेकिन हर पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर नया पॉइंट आपने लिखना होगा, अदरवाइज़ जो है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और नीट काम करना है आपने खुशखत करके, इसके अंदर आपने जो है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, और किसी दूसरे टेंस को जैसे कंटिन्यूस टेंस या दूसरा जो जैसे कि फ्यूचर है या दूसरा कोई प्रेजेंट टेंस अगर आपने यूज़ करना है, तो फिर आपने ये देखना होगा कि आपने डायलॉग की शक्ल में उसको लिखना है। जब आप डायलॉग की शक्ल में लिखेंगे तो फिर ये पॉसिबल है कि जो कैरेक्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं वो जिस तरह बोलते हैं फिर आपने उसी तरह उसको लिखना है। अदरवाइज़ अगर आप इसको डायलॉग की शक्ल में नहीं लिखते तो फिर आपको टेंस पास्ट इंडेफिनिट का लिखना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा कि गलती आपसे ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक दो टॉपिक्स थे जो हमने इस दफ़ा सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको इसके बारे में डिटेल समझाई जाए, और होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी।
और आपने इस मेथड के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से आप एक स्टोरी लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये जो वीडियो है इसको आप अच्छी तरह देखें और इंशाल्लाह आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे।